जय माता रानी दोस्तों, माता रानी के भजनों पे करो फिर डांस दोस्तों। तो दोस्तों करना क्या, आपको जल्दी जल्दी हमारे साथ डांस सीखने हैं। माता रानी के भजनों के कीर्तनों पे जल्दी से डांस सीख लो। जो लोग सीखना चाहती हैं, जो औरतें घर घर में कीर्तन करती हैं, मंदिरों में जाकर डांस करती हैं, तो घर पे देखो दोस्तों नाचना बनता ही है। आप अपनी सहेलियों के साथ कीर्तन करें और भजन गाएं, नए नए स्टेप सीखें और अपनी सहेलियों के साथ भजन गाएं, ढोलकी बजाएं और डांस के स्टेप भी करें। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारे चैनल पे आप जुड़ गए हैं, अभी हमारे आप चैनल को देख रहे हैं, फटाफट सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर लीजिए। सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करना बहुत आसान है, बिल्कुल मुश्किल बात नहीं है। बटन को प्रेस करेंगे तभी आप हमें फॉलो कर पाएंगे। जल्दी से आ जाओ कीर्तन वाले डांस के स्टेप सीख ले। अगर आज आप कीर्तन में जाना चाहते हैं, अगर आपने आज अरे डांस के स्टेप सीख लेना, तो मंदिरों में जाकर दोस्तों फटाफट ये डांस के स्टेप करिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। तो देखो आपको क्या करना है, लेफ्ट वाले पैर को उठाना है ऐसे, ठीक है, ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है हाथ को, ठीक है। शोल्डर को हमारे अप डाउन मर्जी, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हम घूमेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपनी जगह पे खड़े होकर पहले हमने ऐसे करना है, उसके बाद हमने घूमना है, ओके। घूमना मैंने आपको बता दिया, फिर से रिपीट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप सीखिए दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप बहुत ही सुंदर है, वैसे मैंने ना आपके लिए पहले ही वीडियो बना दी है, शॉर्ट वीडियो चेक करते जाइए डांस देखने के लिए। तो देखो गाइस दूसरे स्टेप को फॉलो करो। दूसरे स्टेप में हम ठुमके लगाएंगे, देखो ऐसे ऐसे जंप करना है अपनी। तो दूसरे स्टेप में हमने जंप करना है, राइट वाले पैर को उठाएंगे ऐसे ऐसे करेंगे पहले, और लेफ्ट वाले पैर से हम जंप करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। बस आपको जंप करना है और तीसरे स्टेप भी फॉलो कर लीजिए। तीसरे स्टेप बहुत ही लाजवाब, तीसरे स्टेप में हम थोड़ा अट्रैक्टिव बनाएंगे। तीसरे स्टेप में हम पैर को आगे पीछे करेंगे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जंप करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। बस आपको जंप करना है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। जितना आप जंप करके डांस करेंगे ना, सबसे सुंदर स्टेप्स लगते हैं। जिनको थोड़ा बहुत नाचना आता है तो आप थोड़ा फास्ट मोशन में डांस स्टेप कर सकते हो। तो दोस्तों जितना आप जंप करके डांस करेंगे ना, उतने ही सुंदर स्टेप लगते हैं। सभी औरतें आपकी जरूर तारीफ करेंगी, ऐसे स्टेप जरूर करें। अपनी सहेलियों के साथ कीर्तन भी करते हैं, उनके साथ ये डांस के स्टेप बनाएं, तो ठीक है दोस्तों। जब भी कीर्तन करते हैं तो हमेशा ही औरतें डांस में घूमते ही है, तो आपको भी घूमना आना चाहिए। ड्रेस आपको भी पहन लीजिए, सूट पहने, लहंगा पहने, शरारा पहने, साड़ी पहने,
जो भी ड्रेस आपको अच्छा लगता है, लहंगा, गाउन, शरारा, साड़ी, उसी ड्रेस में आप डांस आराम से कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को आपने सेव करना है, शेयर करना है और जल्दी से हमें कॉन्टेक्ट कर लीजिए अगर आपको डांस स्टेप सीखना है। बेसिक डांस स्टेप सीखिए जीरो से, हाथों के, पैरों के, ठुमके वाले। अगर आप सोचते हो कि मुझे डांस नहीं आता वीडियो देखकर, तो मेरे से आप कॉन्टेक्ट कीजिए, आपको ट्रेनिंग दिए जाएंगे। जिस तरह से मैं डांस करती हूँ, पैर को कैसे उठाना है, कितनी बार बाउंस करना है, ये सारे आपको ट्रिक्स बताऊंगी, किस तरह से आपको सिखाएंगी। जल्दी से आ जुड़िए और इस वीडियो को लगातार देख के ही आपको जल्दी से डांस आएगा। और अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दे रखे हैं, उसी लिंक्स को क्लिक करके आप और भी वीडियो के डांस के स्टेप सीख सकते हो। तो ठीक है गाइस, तो नवरात्रों के भजनों पे डांस के स्टेप ज्यादा आएंगे, तो फॉलो कर दीजिए। भजन और कीर्तनों पे आप ही नाचे, जगराते पे करें, पार्कों में फंक्शन होते हैं, घर घर में भी होते हैं, मंदिर में भी होते हैं, कहीं भी फंक्शन हो आपका जरूर जाने हैं। थैंक यू गाइस सो मच। अगर आप थोड़ा सा भी डांस करेंगे ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल 100% बढ़ेगा। थैंक यू जी, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। बाय बाय।